अब हम जाने वाले चांदपुर गढ़ी जो कि कनकपाल की राजधानी है। कुछ पौराणिक चीजें नहीं हम लोगों को वहाँ पे, कुछ पौराणिक चीजें ऐसी थी कि पहले के टाइम पे जब वहाँ खुदाई हुई थी तो वहाँ सोने की काफी चीजें मिली थी, जैसे तलवार वगैरह और भी काफी कुछ मिला था, ज्यादा कुछ नहीं मालूम मुझे। ऐसा करते हैं हमें भी मिल जाए कोई सोने की चीज। और घूमते फिरते हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हम चांदपुर फोर्ट में, जो कि चांदपुर गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह देखो चांदपुर दुर्ग, दुर्ग मीन्स चांदपुर फोर्ट। अरे वाह, ये आप लोग पॉज करके पढ़ लेना जो भी इसमें लिखा गया है। चलो भाई प्रस्थान करो। ये सामने की तरफ मंदिर है, जय महाराज राजेश्वरी गौरजा भवानी चांदपुर गढ़ी आदि बद्री चमोली, ये नाम लिखा है वहाँ पे। मृदुल खा रहे, पता नहीं क्या खा रहे, जंगली मस्ती, जंगल मस्ती यार। अच्छा जंगल मस्ती। मृदुल ने बैग कहाँ छोड़ा? स्कूटी में। मृदुल नीचे जा रहा बैग लेने के लिए बेचारा, हम इतना ऊपर आ गए, याद रहेगा हमको। लो खा लो। अब फाइनली मृदुल बैग लेके आ गया, थक लगे हुए ना बाजू, आराम कर तू भी। बोल बोल। ये देखिए सबसे बड़े भैया हमारे हमारे साथ, और हम दोनों के पीठों पे बैग है, दोनों छोटों के भी पीठ में, ठीक है, हेलमेट भी है, और भैया के हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे आंखों में चश्मा है, चश्मा, मेरे हाथ में पावर बैंक है। कभी इतना प्रताड़ित करता हुआ इंसान, प्रताड़ित हो, राजा शोषण हो रहा है, शोषण। राजा कनकपाल की याद आ गई थी इसीलिए मुझे सब करना पड़ा, मैं राजा वाली थोड़ा फील लेना चाहते हैं ज्यादा टाइम पे, इसीलिए मैंने ऐसे कदम उठाया ताकि ये लोग ऐसा मेरा सपोर्ट कर सकें। ये महल है, ये अवशेष महल के, मतलब भेड़ी चंड की थी उन लोगों ने। अवशेष ये कुछ अवशेष हैं इस महल के, जो कि यहाँ पे हुआ करता होगा। ये यहाँ पे कुआं रहा होगा कभी पानी भरने के लिए, जब इस कुएं में पानी भर जाता होगा तो फिर पानी यहाँ से एग्जिट करता होगा, ये जगह से जब ये भर जाता होगा उसके जहाँ से बाहर शायद शायद शायद। एक अवशेष और मिल गया हमको, इसको हम गढ़वाली में उखलियारा बोलते हैं और उरख्याला भी बोलते हैं, यहाँ के लोग उरख्याला बोलते हैं और हमारे वहाँ उखलियारा बोलते हैं उसको। यस ओखली हिंदी में। आई किसी बेवकूफ ने यहाँ ये यहाँ कूड़ा करकट भी डाल रखा है। संरक्षित स्मारक, जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है और बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है अथवा वह अर्थदंड की भागी होगा जो कि 5,000 रूपए तक बढ़ाया जा सकता है। शिवांग अब तू यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता, 5,000 रूपए का जुर्माना पड़ो मास्क के ऊपर। ये जितना भी आप लोग देख रहे हो ये सारे प्राचीन अवशेष हैं, और एक अंकल ऊपर सो रखे हैं जो कि शायद चौकीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे दिखा एक मंदिर जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ की खिड़की देखो सबसे स्पेशल मेरे को यहाँ पे लग रही है, खिड़की छोटी सी देखो यहाँ पे, ये सिंपली ताकि हवा का प्रवाह होता रहे इसीलिए बनाया गया होगा। और इसके जस्ट पीछे की तरफ मंदिर है आपका, ये हम अंदर पहुंच चुके हैं यहाँ पे ताकि हम आपको दिखा सकें कौन सी देवी है यहाँ पे। ये गणेश जी, होलिका गणेश है। हाँ जी होलिका गणेश है, बेहतर है माँ भगवती। अब चलते अंदर, थोड़ा सा मत्था टेक के आते हैं। यहाँ पे ढोलकी रखी है, यहाँ पे है माता जी का मंदिर। जय माँ दुर्गा, दिखाई तो देगा नहीं आप लोगों को। आप सबके लिए मैं अपनी तरफ से घंटी बजा देता हूँ।
जी हाँ, यहाँ पे भी माँ काली की फोटो है, महाकाली की फोटो। जय माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधारणी जय सर्वगते देवी कालरात्री नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शिवाद साधके श्रीनितंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती महामाया जगदम्बा की जय। से बेस्ट पार्ट इसका मेरे को ये लगा जी, यहाँ पे खिड़की है। इस तरह से हमने चांदपुर गढ़ में जो ये स्पेशल जगह थी यहाँ के दर्शन कर लिए। यहाँ पे कुछ कलाकृतियां जो कि पत्थरों में की गई है नक्काशी, तो श्री यंत्र जैसे लग रहे हैं। श्री यंत्र जैसे, हाँ थोड़ा थोड़ा। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि ड्रॉ किए गए हैं इन पत्थरों में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी पत्थर हैं सारे खुदाई के दौरान मिले थे 2004 से लेकर 2007 तक, जो कि आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो लोग थे उन लोगों ने खुदाई में निकाले कुछ चीजें। तिवारी होती है ना ऐसी, हाँ, कमल का फूल, ये जैसे लकड़ियों की तिवारी होती है वैसे पत्थरों की तिवारी बनाई गई। जितनी भी जगह हम लोग गए यहाँ पे हमने खिड़की इसी टाइप की खिड़कियां देखी हैं। मुझे लग रहा है कोई कमरे हुआ करते होंगे पहले। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज जो है यहाँ पे कि आपको शांति मिलेगी यहाँ आने के बाद। जब आप यहाँ होगी एकदम शांत है बिल्कुल माहौल, और ये जो मतलब जब आप ये सारे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बहुत कुछ इमेजिन करोगे आप लोग, तो कुछ ना कुछ आपको एक स्ट्रक्चर थोड़ा मन में आता है कि यहाँ पे कुछ कमरे होंगे या फिर यहाँ पे कुछ इवैक्यूएशन सिस्टम होगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ माइंड में इमेजिनेशन दौड़ रही है हमारी। और यहाँ पे जो मंदिर था बहुत ही प्यारा मंदिर था, वहाँ पे खिड़कियाँ जो स्पेशली सबसे जो मेरे को अलग लगा यहाँ पे वो खिड़कियाँ मेरे को बहुत पसंद आई यहाँ की। और मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा रहा होगा बहुत पहले, तो इसलिए ताकि यहाँ ठंड ना लगे इसलिए दीवारें भी काफ़ी मोटी हैं और खिड़कियाँ बहुत छोटी बनाई गई हैं। ये राम ना लोगों प्यास लग गई और उस नल के पानी भी नहीं आ रहा और फिर से पानी गिरा, गंदा पानी लग रहा मुझे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पत्थर पे नक्काशी की गई है, सही सही बहुत ही बारीकी से देखो इनमें भी नक्काशी की गई है जो आप देख रहे हो। नक्काशी ये सारे पत्थर मेरे ख्याल से खुदाई के टाइम पे मिलेंगे। देखो पत्थर में हमें क्या मिला, जहाँ पे गोटी कट जाती है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो आगे साथ आगे से इधर खेलते थे जिसपे मैं भी खींचूंगा। और ये भी अरे आप करते रहना यार, मतलब अमृतुल शिवांग बताएगा कि कितने कितने खाने हैं इसमें। आठ खाने उन्होंने सब। हम अभी चांदपुर गढ़ी में, और चांदपुर गढ़ी में महाकाली का एक बहुत अति प्राचीन मंदिर है। और जनश्रुतियों से पता चला है कि नंदा देवी राजजात जो 12 वर्षों में एक बार होती है, तो यहीं पे पीछे नौटी है, नौटी से माँ नंदा की यात्रा जो है वो एक पड़ाव माता का चांदपुर गढ़ी भी है। और इस पड़ाव को बहुत मुख्य पड़ाव माना गया है। थैंक यू। चांदपुर गढ़ी हमने दर्शन कर लिए और अब हम जाएंगे इसके बाद सिमली माँ चंडिका के मंदिर। हाँ उससे पहले मैं पानी पीऊंगा यार, जहाँ पीऊंगा बहुत प्यास लगी मुझे इतना। सिमली यहाँ से है लगभग 6-7 किलोमीटर। ओके मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे कम से कम 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। हाँ। सिमली उसके बाद हम कर्णप्रयाग जाएंगे। यस वहाँ स्टे करेंगे। मृदुल का अपना होम टाउन, अपना होम टाउन। शिवांग का मूड खराब हो तो जोशीमठ भी जा सकते हैं हम लोग। हाँ मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ मृदुल मैखुरी को भी सब्सक्राइब करें, उसमें मैं व्लॉग्स डालता रहता हूँ। रिसेंटली ये अनुसुईया माता के दरबार में गए थे जहाँ की झरने मेरे को बहुत पसंद आए। जय महाराज राजेश्वरी गौरजा भवानी चांदपुरी गढ़ चमोली। आज हमको कितना डॉगी मिले ना, आज एक रॉकी था इसके ना टॉक ही रख देते हैं। एक मृदुल भी मिला। बदतमीज कहीं। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं माँ चंडिका देवी के मंदिर में जो कि सिमली में स्थित है। यस सिमली में स्थित है। और सिमली में चमोली ये हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट है, लोकल गाइड एक्सपर्ट मृदुल मैखुरी जी बताएंगे इस बारे में। और अच्छी जगह काफी है, बढ़िया जगह। स्कूटी में हम लोग तीनों साथ में। और लेट्स गो इनसाइड दिस टेंपल माँ चंडिका देवी का मंदिर।
पीपल का पेड़ है, जो उसका कलर है और जो मंदिर का मेन कलर है देखो, वो सेम टू सेम लग रहा है एक जैसा। और ये पिंडर नदी है जैसे कि अभी मृदुल ने बताया हमको, पिंडर नदी वहीं दिख जाती है संगम में, कर्णप्रयाग में जबरदस्त। जय माँ चंडिका, जय माँ भगवती। अभी हम लोग संगम में जा रहे हैं, संगम की तरफ। और ओहो, पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा। ये है आपका कर्णप्रयाग का सबसे ज्यादा महंगा होटल, होटल श्री कृष्णा पैलेस, और इसके नीचे ही यहाँ पे संगम है। तो ये कर्णप्रयाग में हम लोग संगम में है अभी। ये जो नदी आ रही है उस तरफ से, ये आपके अलकनंदा नदी है, और ये है आपका यहाँ पे पिंडर नदी। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे एक संगम बनता है, जिसको कि हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ से आगे फिर कर्णप्रयाग पड़ेगा। और अभी हम लोग खा रहे हैं छोले समोसे। छोले समोसे यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि अभी मृदुल ने बताया, इसलिए हम लोग पहले छोले समोसे खा रहे हैं, उसके हम लोग यहाँ के मोमोज ट्राई करेंगे फास्ट फूड में। बस 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 बस, वाह, कालू खाएगा अंडा। ओहो वाह भैया, तरीका देख रहे उसको, इसने एक गौर की उसके ऊपर तब खा रहे इसको, मैं 150 रुपए खर्चा मेरा डेली। अच्छा, खाने पीने का डेली? अरे वाह, ये रोटी नहीं खाता, अंडा बिस्कुट। हाँ, अंडा बिस्कुट वगैरह, दूध नहीं पीता? हाँ, दूध घी, दूध घी, अंडा सब, काजू बादाम बड़े वाले शौक है इसके, रिश्ता देखो ना, देखो चमरी देखो, ये साला की कैसा हो रहा है, ये हट्टा कट्टा नहीं हो रही है इस पे, इंसान को आज तक नहीं काटा उसने, इंसान को नहीं काटा। ये है मिस्टर कालू जी, ये बह रहे हैं घर के। देखो भाई, कालो ने पूरा का पूरा अंडा एकदम खाली कर दिया, पूरा अंडा दे। अभी हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, और अंकल जी हमें सर्व कर रहे हैं यहाँ पे खाना भी। तुम दिखाया है, शिवांग भी यहाँ बैठे हमारे सबसे बगल में। बाकी देखो हमारे पास इतना कुछ है आज खाने के लिए, तो आंटी जी ने स्पेशली बल्कि आज झमोरे की खीर बना रखी है। ये देखो आप कितने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है, छोटे के साथ में आंटी जी ने बनाया। देखो ये आंटी जी, जितना भी है पूरे घर में जितना सामान है क्रिएटिव, सबका सब आंटी जी ने बनाया, यूट्यूब पे देखिए। तो देखो यूट्यूब का कितना सही इस्तेमाल हो रहा है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव है, सारे यूट्यूबर्स यही है। मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा जो आंटी जी ने बना रखी है, ठीक है, हरीश नाम से। अच्छा, ये मृदुल की भाई, देखो चित्रकारी, मृदुल की चित्रकारी। उस टाइम मैंने क्या किया, मैं उसकी पेंटिंग देख के मैंने भी शौक चढ़ गया, मैं भी गया कागज लेके बना दी मैंने, ठीक है। अरे वाह, ये आपने उससे बनाया? हाँ। अरे वाह, देखो ये चित्रकारी। मैं अब मृदुल को पहचानूंगा इसमें कि मृदुल कौन सा है, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ, देख जरा मृदुल कौन सा है। चलो इतनी हिंट दे रहा हूँ मैं, मृदुल की बचपन की फोटो देखा, प्रिंसिपल गुरुजी आज हमने देखे। देखो किंग फिशर, ये भी बनाया गया है स्पेशली, है ना, मृदुल की मम्मी ने बनाया है। सुबेर बेगी, और अब हम खाना खोला आराम से, और ब्रेकफास्ट एकदम तैयार जा रात बढ़िया, और अब हम जान तक रहे यहाँ पर, हम जाएंगे अब जोशीमठ, और प्लान होगा तो ऑली जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो बोला प्लान बन गया, मेरे बालों का सब बुरा हाल हो गया। शिवांग तो कह रहे स्मार्ट है, लेकिन मेरे बाल किसी ने बाल पकड़ के जमना दिए। अरे हम सबके सब अब तैयार हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, और आंटी जी हमारे साथ हैं। नेक्स्ट भैया ने फिर से मेरे बैग पकड़ा दिया, देना पड़ता है बच्चों को, काम देना पड़ता है, स्कूल में भी देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफर है, जोशीमठ जोशीमठ वाज, और शिवांग तो बिल्कुल जागे सम्राट, हमारे प्यारो शिवांग।